सुप्रभात। हिंदी जीवनी लेखन पदखंड कक्षा 9 जीवनी संत रैदास, संत कवि रैदास या रविदास। जन्म सन 1399 ईस्वी, मृत्यु सन 1527 ईस्वी। संत रविदास का जन्म 1399 ईस्वी में हुआ और देहावसान सन 1527 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान वाराणसी, वाराणसी के समीप मड़वा डीह नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। ये बहुत ही सच्चे संत समाज सुधारक कवि हुए हैं। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुर्वनिया, या कहीं कहीं इसका उल्लेख कर्मा भी मिलता है। पिता का नाम रघु और माता का नाम धुर्वनिया या कर्मा था। ये काशी के प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे और कबीर के गुरु भाई थे। जिस प्रकार से कबीर ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ऊंच नीच के भेदभावों का खंडन किया, उसी प्रकार से इन्होंने भी समाज में फैली रूढ़ियों और बाह्यादिकरणों का विरोध किया। कबीर का विरोध अखड़पन का था, लेकिन इनका विरोध नम्रता का था। ये विरोध तो करते थे, लेकिन उग्र रूप में नहीं, विनम्र भाव से उसका विरोध करते थे। जीवन परिचय, जीवन परिचय। निर्गुण भक्ति शाखा के समाज सुधारक संत कवि रैदास का जन्म सन 1399 ईस्वी के आसपास काशी के निकट मड़वा डीह में माना जाता है। इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख आज तक कहीं नहीं है, इसलिए अनुमानों के आधार पर, बाह्य अंतर साक्ष्यों के आधार पर यह निकाला गया है। निर्गुण भक्ति शाखा के समाज सुधारक संत रैदास का जन्म सन 1399 ईस्वी के आसपास काशी के निकट मड़वा डीह में माना जाता है। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम धुर्वनिया या कर्मा था। ये कबीर के गुरु भाई और स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण दोनों गुरु भाई कहलाए। संत रैदास और महात्मा कबीरदास दोनों गुरु भाई थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। रैदास अपना पैतृक व्यवसाय करते थे, जैसे कबीरदास अपने पैतृक व्यवसाय बुनकर कर्म में लगे रहते थे, ऐसे ही इनके पिता मोची थे और जूते बनाने का काम करते थे। ये भी अपना वही पैतृक व्यवसाय करते थे। ये सामाजिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। इनके विषय में अनेक किंवदंतियां समाज में प्रचलित हैं। किंवदंतियां लोक कहावतें, दंत कथाएं। अब उनमें कितनी सच्चाई है वो अलग बात है। चित्तौड़ की रानी झाली इन्हें अपना गुरु मानती थी। चित्तौड़ की जो रानी थी झाली, इनका नाम है, संत रैदास को अपना गुरु मानती थी। एक बार चित्तौड़ की रानी ने अपने गुरु के सम्मान में चित्तौड़ में भोज दिया। भोज में सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया और जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचे, देखा कि ये रैदास के साथ हम लोगों को भोजन करना पड़ेगा, तो उन्होंने कह दिया कि हम किसी बिना जिम्मेदारी के साथ भोजन नहीं करते हैं। इस बात से संत रैदास ने अपने शरीर की त्वचा को चीर दिया और जब त्वचा को चीरा तो स्वर्ण जटित जनेऊ उनके शरीर के अंदर से प्रकट हुआ, जिसकी आभा से सभी ब्राह्मणों की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार की कई किंवदंतियां इनके विषय में प्रचलित हैं। और इसके बाद फिर वहां पर संत रैदास नहीं मिले, उनके केवल पद चिन्ह मिले और संत रैदास वहां से अदृश्य हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। इनका जन्म माघ पूर्णिमा, माघ महीना जो होता है,
माघ पूर्णिमा माघी पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था। रविवार माघ पूर्णिमा थी, दिन रविवार था, तो रविवार के दिन जन्म हुआ था। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास या रविदास पड़ गया, ऐसा अनुमान किया जाता है। इनका देह त्याग चित्तौड़ में हुआ, इन्होंने अपना शरीर वही चित्तौड़ में छोड़ा। चित्तौड़ में सन 1527 ईस्वी में, जिसके अनुसार संवत 1584 की क्रमी में हुआ। सन 1527 ईस्वी संवत 1584 विक्रमी को हुआ। इस विषय में कवि अनंत दास का यह दोहा प्रचलित है। इनके एक प्रशंसक शिष्य थे संत अनंत दास, उन्होंने इनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा लिखा है, 1584 भय चित्तौर महावीर जर जर देह कंचन भई रवि रवि मिलो शरीर। अर्थात संवत 1584 में चित्तौड़ में संत रविदास का जर्जर शरीर कंचन भई सोने की आभा से, जब जीवात्मा निकली तो सोने की आभा से भर गई, और रवि रवि मिलो शरीर, रवि दास का शरीर रवि माने प्रकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय है। चित्तौड़ में सन 1527 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया। रचनाएं जैसे आप जानते हैं, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे रविदास भी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास की भांति ही संत रविदास ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। इनके भक्त शिष्यों ने इनके उपदेशों को लिपिबद्ध किया। इनके जो अनुयायी भक्त शिष्य हुआ करते थे, वो इनके उपदेशों को, इनके पदों को, इनकी साखियों को लिख लिया करते थे, लिपिबद्ध किया, जो वाणी नाम से प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा गाई गई वाणी नाम से साखियां प्रकाशित हुई। इसमें पद और साखियां संकलित हैं। इनके पदों में मुख्यतः भक्ति और शांत रस के दर्शन होते हैं। इनकी शैली उपदेशात्मक और उद्बोधात्मक है। समाज को ज्ञान देने के लिए इन्होंने पद गाए हैं। इनके पदों में मुख्यतः भक्ति और शांत रस के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान अंतिम इनिंग, हिंदी साहित्य में स्थान निस्संदेह सामाजिक समरसता, उदारता और सहृदयता जैसे मानव मूल्यों को रविदास ने अपनी कविता के द्वारा जिस सहजता से स्थापित किया है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, स्वाभाविकता है, सहजता है, सहजता से स्थापित किया है, वह एक सच्चा संत ही कर सकता है, जिसको संसार के माया मोह से कोई लेना देना ना हो, जो माया मोह के बंधन से मुक्त होता है वही संत है। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, उसी को संत शब्द से संबोधित किया जाता है। तो निस्संदेह सामाजिक समरसता, उदारता और सहृदयता जैसे मानव मूल्यों को रविदास ने अपनी कविता के द्वारा जिस सहजता से स्थापित किया है, वह एक सच्चा संत ही कर सकता है। उनकी कविता आत्मनिष्ठ होकर भी देश और जाति की सामयिक समस्याओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। उनकी कविता आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ मतलब अपने ऊपर ही केंद्रित होते हुए भी देश और जाति की सामयिक समस्याओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों का चित्र इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। अपने इस कृत्य के लिए वे युग युगांतर तक साहित्य के क्षेत्र में स्तुत बने रहेंगे। संत कवि रविदास अपने इस कृत्य के लिए समाज में समरसता, एक रूपता लाने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए ये युग युगांतर तक साहित्य के क्षेत्र में स्तुत बने रहेंगे। इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा
समाज में समरसता, एक रूपता और भाईचारा लाने का जो प्रयास किया, उसके लिए ये समाज में युगों युगों तक स्तुत्य बने रहेंगे। इति